बैंड कितनी एपिक है यार, मतलब हाउ डिड आई मिस इट। बेटा तुम्हारी पूरी जनरेशन को रामायण देखनी चाहिए, इससे इतनी अच्छी सीख मिलती है ना, तुम्हें पता भी नहीं। दिस इज टू गुड। मैंने भी जगत से मांगा था कि मेरे को श्री राम जैसा पुत्र दे दे। अरे यार, लेकिन लगता है जब तू तेरी माँ के पेट में था ना, तब ये लोग कुंभकर्ण के एपिसोड दिखा रहे थे, इसलिए तो तू निकला बाहर। ये लो, पिछले वीडियो की स्क्रिप्ट बच गई थी, अब ये वीडियो में घुसा रहे हैं। तेरे को पता है तेरे और कुंभकर्ण में बेटा सिर्फ एक ही फर्क है। क्या? तू कुंभकर्ण से दो प्लेट ज्यादा खाता है। पापा मैं क्या आपको शक्ल से ढींचाक पूजा लगता हूँ? नहीं तो? तो फिर कैरी मिनाटी बनके रोस्ट क्यों करते रहते हो? पापा इतनी तकलीफ है तो घर छोड़ के चले जाता हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जाने वाले हो बेटा, एक वो श्री राम थे जो अपने पिताजी का घर छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, और तुम 14 मिनट के लिए रूम छोड़ के हॉल नहीं आ सकते। तुझे पता है श्री राम अपने भाइयों के साथ कितनी प्रेम के साथ भोजन शेयर करते थे? शेयर का हिंदी वर्ड नहीं मिला इनको। और एक तुम जैसी गंदी नाशुक्री औलाद, एक पिज्जा के पीस के लिए अपने सगे भाई को बाहर से धक्का दे दोगे तुम लोग? सही बात है। एक वड़ा पाव के टुकड़े के लिए अपने भाई को बाल्टी के पानी में डुबा डुबा के मार दोगे तुम लोग? एकदम सही बोला। अरे एक लेस के पैकेट के लिए अपनी सगी बहन को मसकली 2.0 सुना दोगे तुम लोग? नहीं नहीं पापा, इतना भी नहीं करते थे, अभी आप ज्यादा बोल रहे हो। बोता बेटा तेरे को मालूम है, कभी कभी मेरे को लगता है मैं रावण की बहन हूँ। पापा मैं समझता हूँ चाचा आपको बचपन में कुत्ते की मौत मारते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपने भाई को रावण बुलाओगे। वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो उसकी भी नाक कटी थी और मेरी भी नाक कट गई है तेरी वजह से। बेटा जब रिश्तेदारों को तेरे एग्जाम के नंबर बताता हूँ ना, तो पहला सवाल पूछते भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल है क्या, क्या स्टैंड अप कॉमेडी करते हो? बेटा थोड़ी शर्म कर ले, इस देश का GST भी तेरे परसेंटेज से ज्यादा है। वाह पिताश्री वाह, आपने अपने पुत्र को रामायण पढ़ाई, अभी पुत्र का भी फर्ज बनता है कि अपने पिताश्री को रामायण पढ़ाए। आपको पता है पिताजी श्री राम जो है सीता मैया से कितना प्यार करते थे? वो इतना प्यार करते थे कि वो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। और एक आप मम्मी जरा सा क्या मूर्ति है, व्हाट्सएप पे पिंक हार्ट्स के गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड भेजते हो पूजा आंटी को। क्या बोला? पूजा करने की बातें कर रहा है तुम्हारा लौंडा, 2 दिन रामायण देखी, कितने संस्कार आ गए इसमें। अरे मेरे लाल जियो, जाओ पबजी खेलो, सोए पड़े रहो, मरे रहो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, जाओ 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 जाओ। इसको तो बाद में देखता हूं मैं राम खोर। एक बार मेरा ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए लॉकडाउन के बाद, इतने मजे करूंगा, साला सारी जवानी एग्जाम्स में निकल गई। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं गोवा जाऊंगा, हाँ मैं गोवा जाऊंगा। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं रोशनी को अपनी दिल की बात जाके कह दूंगा। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं रोशनी का साथ और उसके बाप का हाथ, मेरा मतलब रोशनी का हाथ और उसके बाप का साथ दोनों मांगूंगा। एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए मैं ना वीमेट ऐप डाउनलोड करूंगा, फिर मैं इसकी तरह फनी वीडियो बनाऊंगा, फिर मेरी वीडियो वायरल होगी और भारती मेरा वीडियो रिव्यू करेगी, और वैसे भी वो वीमेट क्रिएटर्स को 10 लाख रुपए तो बांट ही रही है। कब तक? 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। क्या पता मैं इस टाइम पे 20,000 रुपए जीत जाऊं। फिर मैं 7 के 7 दिन पैसे कमाऊंगा, फिर उन लाख रुपयों से मैं 125 नेटफ्लिक्स की आइडिया बनाऊंगा, हर आईडी का एक प्रोफाइल मैं 400 रुपए में बेचूंगा, फिर मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा, 1,000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर राजू भाई से पैसा डबल करवाऊंगा। जैसा कि आपको मालूम था कि लॉकडाउन की वजह से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक लास्ट पेपर बचा हुआ था, लेकिन हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं जो कि 12th के बच्चों को सुकून, आराम, राहत और फतेह अली की खबर देगा। जी हाँ, 12th के बच्चों का लास्ट पेपर कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, हमें सूत्र बता रहे हैं कैंसिल कर दिया गया है। और तो और सूत्र हमें ये भी बता रहे कि 12th के बच्चे जो उनके पेपर दे चुके थे वो पेपर भी कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि 12th के बच्चों को डिग्री डायरेक्ट दी जाएगी, नहीं सारे पेपर वापस देने पड़ेंगे। और तो और सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पिछले साल 11th का पेपर भी वापस देना पड़ेगा। सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से 10th के बच्चे पास होकर 11th में आए ही नहीं, इसलिए 11th में पेपर देने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए सारे पेपर 12th वालों से कराए जाएंगे। ये क्या पागलपंती है? और तो और सूत्रों के अनुसार सेमेस्टर 1 में 1, 2, 3, 4 सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। और तो और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि 11th और 12th दोनों की पढ़ाई एक ही लेक्चर में कराई जाएगी, 11th का प्रोफेसर लेफ्ट में रुका रहेगा, 12th का प्रोफेसर राइट में रुका रहेगा, आपको दोनों टेक्स्ट बुक सामने रख के पढ़ना है क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। बस करो सालो। बेसिकली सूत्र हमें ये बताना चाहते हैं कि पेपर वालों को बच्चों की मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए पेपर वालों ने डिसाइड किया है कि वो 3 कदम पीछे लेंगे और रनअप लेके आपकी मारेंगे, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। हाँ भाई अभी से ही दर्द होना चालू हो गया, बस करो। तो कॉलेज वालों ने डिसाइड किया है कि आपके लेक्चर जो है सुबह 8 बजे से सुबह 9:30 तक होंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा,
और फिर सुबह 10 बजे से सुबह के 11:30 तक लेक्चर चलेगा। बस 3 घंटे। तो इसका मतलब सूत्र ये बताना चाहते हैं कि मंडे सुबह 8 बजे जो लेक्चर शुरू होगा वो ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे खत्म होगा। फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और ट्यूसडे सुबह को 10 बजे लेक्चर शुरू होगा और वेडनेसडे 11:30 बजे खत्म होगा। और ऐसे आधे 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 घंटे का ब्रेक लेते लेते आपको अपनी सारी जिंदगी कॉलेज में ही बितानी है क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। भाई मारो मुझे मारो। और तो और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कॉलेज वालों ने बड़ी ही मुश्किल के बाद ये शेड्यूल जोड़े है और स्टूडेंट तुम्हारे लौटे है। सूत्र एयरलाइन तुमने अभी ऐड की ना हरामी। हाय बेबी कैसी है तू? हाय बेबी, बेबी मेरे को बहुत बोर हो रहा है, बेबी मेरे को कुछ सजेस्ट करना, मैं क्या करूं? बेबी मैं कैसे सजेस्ट करूं तेरे को कि तू क्या करना चाहती है? नहीं बेबी जो तू बोल। अरे बेबी लेकिन मैं कैसे? अरे बोला ना बेबी जो तू बोल। एक काम कर हम लोग गेम क्यों नहीं खेलते? हाँ बेबी गेम्स खेल सकते, गेम्स खेलने में बहुत मजा आएगा बेबी जो तू बोल। उनो खेले? नहीं उसमें बोर होता है। लूडो? उसमें मैं हमेशा हार जाती हूँ। पबजी? वो मुझे आती नहीं। COD? नहीं पेटीएम। मैं कैश ऑन डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। नहीं मेरे को वो भी नहीं आती। अरे तो मेरी माँ फिर क्या करेगी तू? बेबी जो तू बोल। एक काम कर मूवीज देख ले। हाँ बेबी पिक्चर देख सकते, तू मुझे पिक्चर सजेस्ट कर। तेरे को एक मस्त एक्शन मूवी बता दो। नहीं एक्शन नहीं, एक्शन मूवीज बहुत बोरिंग होती है। कॉमेडी? नहीं मेरा हंसने का मन नहीं है, मेरा मूड बहुत खराब है। सीरियस? मतलब और मूड खराब करूं? तो फैमिली मूवी देख। फैमिली की वजह से ही मेरा मूड खराब है, मैं फैमिली मूवीज देखूं। बायोपिक? नहीं कुछ फिक्शनल बता। साइंस फिक्शन? वो सर के ऊपर से जाती है। ड्रामा? वो सर में जाती है इसलिए सर फटता है। म्यूजिकल? उससे कान फटता है। हॉरर? उससे गांड फटता है। अरे तो मेरी माँ तू ही बता दे तेरे को क्या देखना है, मेरे से क्या पूछ रही है, तू ही बता दे। बेबी जो तू बोल। तू ड्राइंग क्यों नहीं करती? ड्राइंग कर ले। नहीं बेबी पापा मुझे ड्राइंग करने से मना करते हैं। ये तो गलत बात है, ड्राइंग तो तेरा फेवरेट है। हाँ ना बेबी पापा ने कितना चिल्लाया। दिस इज पथेटिक बेबी, डैड को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मेरे को टेबल पे जैसे ही डायरी दिखी मैंने उसमें कितनी सारी ड्राइंग्स बनाई। मैं मानती हूँ वो डायरी पापा का पासपोर्ट था लेकिन इतना थोड़ी चिल्लाते है। हर जगह झंडे गाड़े है तूने, तो एक काम कर तू कुकिंग कर। लेकिन कुकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसकी? तेरी? नहीं मेरी फैमिली की। क्यों? तुझे पता है बेबी कल मैंने चिकन बनाया और वो जल गया। ओहो चिकन जल गया? नहीं नहीं चिकन ठीक है, किचन जल गया। उसके बाद मैंने पापा को केक बना के खिलाया। अरे वाह। मैंने पापा को जैसे ही केक खिलाया पापा ने केक के बाद कुछ भी नहीं खाया बेबी। खाएंगे भी कैसे बेबी, पापा को केक इतना पसंद आया होगा, पापा ने पूरा केक खा लिया होगा इसलिए तो उनका पेट भर गया पूरा। अरे नहीं नहीं वो केक इतना कड़क बना था कि पापा ने जैसे ही उसको चबाया पापा के सारे दांत टूट गए, तब से पापा कुछ खा ही नहीं पा रहे। और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए सूप बनाया। फिर मम्मी को क्या हुआ? नहीं नहीं मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी इज फाइन। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? बस मेरा भाई अंधा हो गया। तेरी माँ के सूप पीने से तेरा भाई अंधा हो गया? हाँ मैंने वो सूप में ना 20 चम्मच मिर्ची मिलाई थी तो जैसे ही मम्मी ने चखा मम्मी ने पूरा सूप मेरे भाई के मुंह पे थूक दिया, तब से मेरा भाई अंधा है। अरे रुक जा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ। पहले हम लोग लॉकडाउन की वजह से कितना पीछे चल रहे, कितना पोर्शन कवर अप करना है। अभी ये ब्लैक टी शर्ट में लड़की कौन है? मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा है। सर मैं हूँ सर आशीष। अरे आशीष बेटा तुम तुम्हें लॉकडाउन में भी दाढ़ी नहीं आई है? जान दो मैं क्या कह रहा था कि जो पहला अभी ये रेड टी शर्ट में लड़का कौन है? सर मैं आपकी स्टूडेंट रक्षा। रक्षा तुम्हें क्यों दाढ़ी आ गई है? वो क्या है ना वो लॉकडाउन की वजह से सारे ब्यूटी पार्लर्स बंद है ना, तो अपर लिप नहीं करवाया है, हल्की सी ग्रोथ है, सब कुछ दाढ़ी वाड़ी नहीं है वो। अच्छा ठीक है चलो जाने दो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के पहले मैंने एक होमवर्क दिया था याद है तुम लोग को? चलो होमवर्क दिखाओ। आशीष होमवर्क दिखा। सर वो होमवर्क, सर मैं होमवर्क कॉलेज में भूल गया। वाह बेटा वाह, जब कॉलेज में होते हो तो होमवर्क घर पे भूल जाते हो, अभी जब घर पे हो तो होमवर्क कॉलेज में भूल गए हो। चलो अभी अटेंडेंस दो। कुणाल प्रेजेंट। रोहित प्रेजेंट सर। रक्षा प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। सूरज प्रेजेंट सर। अच्छा बेटा तो तुम लगा रहे हो सूरज की अटेंडेंस इतने टाइम से, आज पकड़े गए ना? इस साल से देख रहा हूँ सूरज की अटेंडेंस 100% है लेकिन आज तक मैंने सूरज की शक्ल नहीं देखी। अरे सूरज सर आप जिसके साथ शाम को सुट्टा मारते हो ना रास्ते में सर वही तो सूरज है। वो छरसी वो सूरज है।
अरे ऐसे कैसे, वो तो मुझसे भी बड़ा होगा उम्र में, वो तो ऑलमोस्ट अंकल है। हाँ सर मालूम है, सूरज 30 साल से फेल हो रहा है सर, इसी कॉलेज का लड़का है, आई मीन इसी कॉलेज का अंकल है। 30 साल? सर एक मस्त बात बताता हूँ आपको, सूरज इतनी बार फेल हो चुका है। सूरज और सूरज का बेटा दोनों हमारे क्लास में पढ़ते हैं। सूरज का बेटा हमारे क्लास में पढ़ते हैं? कौन है सूरज का बेटा? ये सर अपना रोहित। रोहित तेरा बाप सूरज है? हाँ ना सर, क्या बताऊँ, इतना हरामी बाप है, ये लेक्चर भी बंक करके बैठा है। ए भगवान, पता नहीं कैसे कैसे हरामी बच्चे भर रखे हैं इस कॉलेज में। साइन 2a = 2 sin 1। और बेटा बड़ी हंसी आ रही है तुमको? कुछ नहीं सर। बेटा हमारे साथ भी जोक शेयर करो ना, मेरे को भी हंसना है। सर एक बात बताओ सर, आपने नीचे से कुछ पहना क्यों नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर क्यों झूठ बोल रहे हो सर, मेरे को मालूम है सर आपने नीचे से पैंट नहीं पहना है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, कुछ भी बकवास करना बंद करो वरना फेल कर दूंगा। सर मैं प्रूफ करूं आपने नहीं पहना है? करके दिखा, प्रूव करके दिखा कि मैंने नीचे से कुछ नहीं पहना है, मान जाऊंगा तेरे को, प्रूव करके दिखा। आपने ग्रे कलर का कच्छा पहना है? तुम्हें कैसे पता चला मैंने ग्रे कच्छा पहना है? सर एक्चुअली सर बाजू वाले रूम में आपकी बेटी टिकटॉक बना रही है, तो उसमें छोटे से आप दिख रहे हो सर, उसमें ग्रे कलर का कच्छा। शिक्षा कितनी बार बोला है दरवाजा बंद करके टिकटॉक बनाया करो। tan A+B tan A+B सर क्या हुआ? सर सिमरन बटा के दो ना। आई मीन सर सिमरन नाराज है मुझसे सर, सिमरन को मना के दो ना। मेरे को कोई और काम धंधा नहीं है, मैं तो पढ़ाने बैठा हूँ, मैं क्या लड़की पढ़ाने के लिए बैठा हूँ? सर सिमरन बहुत नाराज है। क्या हुआ सिमरन, क्यों नहीं बात करी है तुमसे? सर एक्चुअली मैंने ना गोटियों की फोटो खींच के सिमरन को भेज दी। अबे ओ तो अपनी गोटियां काट के उसकी फोटो मेरे को भेजेगा, मैं भी भड़क जाऊंगा। नहीं नहीं सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर, लूडो में सर मैंने सिमरन की गोटी काटी और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज के चिढ़ा रहा था। सर सिमरन आशु पका मत। सिमरन तेरे को रोज जिंदगी भर दलगोना कॉफी पिलाऊंगा, सिमरन प्लीज ना यार। आशु मैं बात नहीं करूंगी। ए सिमरन ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ज्यादा चिल्ला मत वरना ये लड़की तेरा बेबी कॉर्न काट के बुट्टा सेकेगी। कसला थाम लसरे वाजों की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब सेफ हो, अपने घर पे हो, लॉकडाउन का पालन कर रहे हो, अपना हाथ अच्छे से धोते रहिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द VMATE वीमेट ऐप, इस पे आप इजीली पैसे कमा सकते हो घर से ही। आपके पास मौका है जीतने का बम्पर प्राइजेस और 100% कैश एवरीडे इनके डेली चैलेंज वीडियो शूट करके। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 crore वर्थ ऑफ प्राइज आपका वेट कर रहे हैं, सो गो एंड डाउनलोड द VMATE वीमेट ऐप, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है।